अज रोपड़ बस स्टैंड सरहिंद विखे एक चाह वाली रेहड़ी ते अचानक सिलेंडर ते अग लग गई। उत्थे खड़े यात्रियों विच हफड़ा तफड़ी का माहौल बन गया। मौके ते पहुंचे सरहिंद मंडी पुलिस चौकी के इंचार्ज रुपिंदर सिंह वल्लों इस दी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड नूं दित्ती गई। चौकी के सामने इतने चाह की दुकान से सिलेंडर नवा लगाया से, इन्होंने कुदरती नवे सिलेंडर करके कोई पाइप में या लीकेज हो गया है, अग लग गई तो 5-7 मिनट के उसे फायर ब्रिगेड आ गई। चंगी गल यह है भी इतने कोई नुकसान नहीं होया है, कुदरती अचानक होया है, बाकी इस टाइम पर वो काम कर रही है। प्रीतम सिंह ने दस्या कि वह चाह की रेहड़ी लगाता है और घटना तो थोड़े समा पहला ही उसने नवा सिलेंडर लिया सी, जिसनू अचानक अग लग गई। इस ते अग बुझाने की कोशिश की गई पर वो कामयाब नहीं हो सके। अग लग गई एकदम जी, बड़ी कोशिश की बुझाने की, एजेंसी वाले को भज के गया जी, उन्होंने अपने बंदे भेजे जी, फिर फटाफट अचानक आप लग नवा लिया। इस उपरांत मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम वालों सिलेंडर अग तो निजात दिलाई गई और कोई जानी माली नुकसान होने तो बचा लिया गया। जानकारी देंदे हुए फायर अफसर हरबंस सिंह ने कहा कि उन्होंने सूचना मिली सी कि रोपड़ बस स्टैंड एक चाह की रेहड़ी से सिलेंडर अग लग गई है, जिस करके वो अपनी टीम समेत पहुंचे तो अग पर काबू पा लिया। सानू 5-7 मिनट पहले ही मड़ी मुंडे ने आकर दसिया भी बस स्टैंड गैस सिलेंडर लीकेज कर गया, तुरंत साड़ी गड्डी के आगे उन्होंने कोई जल्दी नुकसान नहीं, टाइम से ना पहुँचे तो कर नुकसान।